Ρε θα πάνε πάλι άλλα ένα γαλιά πανιέλα στα χαρνάκια. का बात कर का बात कर बादानों का खा चल जाई आज ये चली उनहु के उलाट के मारल जाई चोरावन नाम मिलल सो चोरावा हो गल त तो आज चश्मा लगा के खींचा थवा अखिया का पाछ छोड़ ले पहले तो के मुंह तो हमरे पे बहुत खुनसा तू नहीं हम बड़ा खुश है तोर पर सब पर तू जनाव थवा डरवावा थवा तो के ओम प्रकाश राजभर जी जो अब मंत्री बन गए हैं वो अभी आए थे और उनके स्वागत समारोह में ये लोग खड़े थे और स्वागत किया। आइए यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। हाँ नेताजी आए थे, स्वागत किए हैं आप लोग जी, और उनका बयान एक बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, पीला गमछा वाला। तो पीला गमछा ही तो पहचान है ना हम लोगों की। तो जब पीला गमछा पहचान है तो पीला गमछा लगा करके ही पूरे हिंदुस्तान में घूमा जाएगा और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का परचम लहराया जाएगा। जय जय। अब तो मंत्री बन गए हैं, अब जो कह रहे थे वो सारा कुछ हो जाएगा ना एकदम। अब हमारे नेता मंत्री बन गए हैं, उनके मंत्रालय में जो भी विभाग आएगा उस विभाग से जो है जमीन के ऊपर जो है पूरा काम दिखेगा आपको। पूरे 3 साल मंत्री रहेंगे यहाँ पर और 3 साल के अंदर ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसको विधानसभा के अंदर उठाने का काम नहीं किया जाएगा। और जमीन पर जो मंत्रालय जो विभाग मिलेगा उस विभाग से जो है गरीब तबके की जितनी भी समस्या है उसको दूर करने का काम माननीय ओम प्रकाश राजभर के द्वारा किया जाएगा। आदि बहुत का आपका आपके गर्व ना कम छोल ऐसा ही जाइबू ऐसा ही सुना ऐसा ही जाइबू तो पुलिस पकड़ ले पुलिस अपन के पहले ना आइए भैया पकड़ ले का बात करो का बात कर छो पुलिस बोला बा ठीक है काने नेता जी गमछा लगा के चला ठीक है दे दे गमछी गमछा दे बोले नेता मैंने को उतर चले के पुलिस द्वार पर जाइबे ना करिए जई तो के एदा एदा पारी जो है ना के प्रधानमंत्री बना के बनी ओम प्रकाश ओम प्रकाश प्रधानमंत्री ना बन ना आओ बनी जोगी मोदी जी। हाँ ओम प्रकाश तो मुख्यमंत्री आज वो लोग बहुत महंगाई है बहुत महंगाई ना हमन के बहुत बढ़िया जो चोरावा हम चोरवन खातिर महंगाई चोरवन खातिर। हाँ चोरवन खातिर कि ना चोरा पास है पेटावा ना फुलत था। हाँ हमन के गरीब खातिर तो बहुत बढ़िया जिंदगी भर रही है जोगी मोदी हमन के बढ़िया। आये ना नेताजी कुछ मिला लगी ना नहीं मिली चाहे ना मिली हमन को तो घूमल जाए मट्टी में रह जाए माटी का यहाँ माटी में जाए सोने का गाना का पियर का झंडा ऑरेंजा पियर का झंडा जय सुअल दे पियर का झंडा बस। हाँ पियर का झंडा ऑरेंजा योगी मोदी पियर का झंडा बस बस हमन के बस 3 गो से काम है और दुनिया मर जाए चाहे सब। आप बताइए पीला जो गमछा पे बयान उनका नेताजी का वायरल हुआ है वो बहुत चर्चा में इस समय। चर्चा क्या पूरा देश विदेश में चर्चा है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय ओम प्रकाश राजभर दलितों और पिछड़ों की हक अधिकार दिलाने के लिए जमीन से लेके शरण तक लड़ाई लड़ते हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर। तो चर्चा क्यों नहीं रहेगा। अगर कोई भी व्यक्ति अगर पार्टी का कार्यकर्ता अगर पीला गमछा लगा के चलता है तो ओम प्रकाश राजभर दिखाई देता है विपक्षी को। बताइए कि जो है अभी महागठबंधन भी कमर कस लिया है। महागठबंधन NDA के बाद खत्म है। महागठबंधन में दगे हुए कारतूस के महागठबंधन को क्या कहा जा सकता है। इसके पर हम लोग वो ताकत है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का कि छोटका बड़का दलित पिछड़ा शोषित वंचित समाज के लोगों को लेकर चलते हैं और उनके आगे कोई टिकने वाला नहीं है। जिसके साथ गठबंधन होगा उसी का झंडा फहरेगा। तो सपा में भी ऐसे रहना तो ऐसा ही कर भाई सपा का देखिए पिछला रिकॉर्ड। सपा का जो 40 से 35 सीटें में बिसर गई और हम लोग से गठबंधन हुआ तो 150 सीट जिताने का हम लोग काम किया। आपके सामने गाजीपुर मऊ गोरखपुर देवरिया आजमगढ़ देखने को मिला होगा। ये समय कहल जाता है ना उधर से कहल जाता है कि अब्बा अगर सपा में रह लो तो कम से कम 5-6 सीट बदे के सीट का सवाल नहीं है। ये पिछड़ा दलित का भला कैसे होगा, उसके बेटी बेटा को पढ़ाई लिखाई निशुल्क कैसे होगी, उसका कैसे रोड नाली खड़ंजा बनेगा, उसका विषय है सर।
नेताजी आज प्रथम आगमन हुआ कैबिनेट मंत्री बनने के बाद उनका, तो जिले में हमारे मर्दा में प्रथम आगमन हुआ, इसलिए उनके स्वागत समारोह में हम लोग। कौन पद मिला नेताजी के? कैबिनेट मंत्री बने हैं। और किस विभाग में? अभी पद बंटवारा नहीं हुआ, एक दो रोज में बंटवारा हो जाएगा, इसके बाद कन्फर्म हो जाएगा पद। तो कैबिनेट मंत्री बने का दिन बचला बा? अब तो कह दे, अब तो आचार संहिता लगे वाली बात। सर एक दो दिन के अंदर बंटवारा हो जाएगा, एक दो दिन बहुत ज्यादा है। एक दो दिन बाद बंटवारा हो जाए, इसके बाद जो आचार संहिता लग जाएगा तो क्या हो? तो क्या फर्क पड़ता है? तीन महीने बाद चुनाव बाद फिर आचार संहिता खत्म हो जाएगी, फिर धरातल पे काम होगा। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार चली, हमारे माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी के द्वारा जो भी वंचित शोषित अल्पसंख्यक अगड़ा पिछड़ा जितने लोग गरीब आदमी हैं, हमारे नेताजी का मुख्य उद्देश्य है कि गरीबों के लिए हम हक के लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे, चाहे इसके लिए और लड़ते हैं लड़ते रहेंगे, चाहे दिल्ली से जो योजना आएगी या तो उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय योगी जी की होगी, माननीय मोदी जी की होगी, हमारे नेताजी इसको गरीबों के लिए पूरे पुरजोर से उठाएंगे विधानसभा में और कार्य को करेंगे। इसलिए हम लोगों के प्रथम आगमन पे जिले में मर्दा में उनका भव्य स्वागत कर रहे हैं और कामना कर रहे हैं कि हम लोग को जल्द से जल्द और कुछ सीटें मिल जाए जिसपे हम लोग चुनाव में और तेजी से लग जाए। ये हम लोगों की चाहत है और हमारे माननीय नेताजी ओम प्रकाश राजभर जी एकदम लगे हुए हैं जोर शोर से। हम लोग कहाँ से आए हैं? मैं हरिंदर राजभर, पीलीभीत जिला प्रभारी। अच्छा, पीलीभीत से ध्यानचल से आया हूँ और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी को कि जिन्होंने मंत्री पद का शपथ लिया। और हम गरीब और शोषित वंचित का सबसे ज़्यादा ख्याल करने वाले हैं तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, हम सब लोग मिलके उनके साथ हैं, जो भी अगला कदम उठाएंगे हम लोग सब लोग मिलके उनका साथ देंगे। अच्छा, लोग तो कह रहे हैं कि बस इस मंत्री बना गया है वोट लेने के लिए लोगों का, वो विरोधी को इसी तरह से कुछ न कुछ बात। नौ महीना हो गया, नौ महीना बाद जो है उनको मंत्री बना। नौ महीना हो गया, ऐसा है कि जो विरोधी लोग हैं उनको पता ही नहीं चलता है कि वो लोग किस खेमे के हैं, क्योंकि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तभी कोई मंत्री बनेगा। खाली ऐसा थोड़े पार्टी ज्वाइन किया और मंत्री हो गया, उसका विस्तार होना भी जरूरी है। तो विस्तार हुआ तो हमारे नेता मंत्री बने। अब इसमें जो है उन लोगों की टीका टिप्पणी जो पूरी तरह से धराशायी हो गई है। इस समय विपक्ष के लोग जो हैं, जो बार बार जो है चलते भारतीय समाज पार्टी के ऊपर जो है उंगली उठाते थे कि कब मंत्री बनेंगे, अब उनका जो है पूछने का कार्यकलाप जो है बंद हो गया, क्योंकि उनका जवाब जो है ईंट के जवाब से पत्थर से मिला है इस बार। और वो नेताजी कहत हुआ एक अभी वीडियो वायरल बोले कि हाई सफेद का गमछा निकाल के पीला गमछा लेके चल जा थाना में, बहुत तुम्हारी इज्जत हुई। इज्जत की बात यह होती है कि जब वहाँ कोई भी थाने में व्यक्ति जाता है और अपना सिंबल लेकर के जाएगा तो सिंबल जो होता है हमारे नेता की पहचान होती है, हमारी पार्टी की पहचान, हमारे संगठन का पहचान होता है। नेता का कहने का मतलब यही है कि जब अपना सिंबल लेकर के वहाँ जाओगे तो अपना परिचय नहीं बताना पड़ेगा। परिचय इसलिए नहीं बताना पड़ेगा क्योंकि वो जब देखेगा दरोगा या सिपाही कोई भी तो उसको समझ में आ जाएगा कि सोलदे भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता है, तो डर जाएगा। डरने की बात नहीं है, हमारा जो है रिस्पेक्ट बढ़ेगा, हमारे लोगों का जो है भाई कुछ रिस्पेक्ट और सम्मान बढ़ेगा और उसी सम्मान के दायरे से हमको जो है वहाँ पे कुर्सी मिलेगी बैठने के लिए कि आप बैठिए नेताजी बताइए क्या समस्या है। जब हम अपनी समस्या बनाएंगे, जैसे ही समस्या उनको समझ में आएगी और तुरंत जो है कार्रवाई करेंगे। तो गमछा नहीं लगेगा तो नहीं पहचानेंगे लोग? आप बताइए, बिना गमछा के तो हजारों हजार लोग घूम रहे हैं, वहाँ किसको कौन पहचान रहा है? अगर गमछा से ही लोगों को सम्मान मिल रहा है तो इस गमछा को हम लोग 24 घंटा डालकर घूमने का काम करेंगे। बतावा का अधिकार है गल ले? कुछ नहीं कहते जा कि गरीब कहता हुआ भैया तू प्रवास के चत हुआ ठीक है तन अखन तो हो के बता देते हैं। ये बतावा गरीब आदमी दिन भर खन्ना थे जा आ मजूरा आई जा ढोवा थे जा लेकर ये मैया के चुदो मैया ने पछताना मिल लो अब मोदी जी के साथ तो आगल मंत्री मोदी जी जब मोदी पे ना तो केहू के यार नाम मिलनी मोदी जी के साथ प्रधानों के खाचल जाई आ जे टेढ़ चली उन्हों के उलाट के मार।
मारल जाए। नेताजी आ गई ना और विरोधो कर तू एक नहीं इनका विरोध करो भाई मनवा तू के हम बंद करवा दे केकर विरोध कर अधिकारी को आ प्रधान का की भोसड़ी वाला खा रहे इतना आवत वाला प्रधान के पहले गमछा लगा के जा ना गमछा लगा के जाता अब गमछा लगा के जाए बहनिया लगला कहना ना कहना ना नेता हला हला तो दे तू ही ना गमछा लगा ले हमारे पास हम के खा साजी में के खाई के ना तम गमछा कैसे लगा ले दे हम के खा के नेता जी आले ना उनसे मांगा नेता जी तू का नेता के दादा हवा तो तू ही दा आप तो पूछा थे ना तो हर बात पहुंचावत ही पहुंचावत दो किलो चावल बेच के ले लेंगे गमछा हाँ अच्छा। जोगी मोदी के प्रकाश के ना छोड़ जहाँ ले जाइए तहाँ ले चले जाए जाए उनके हाँ नमस्ते जाल जाए हम अपन का अपन राज भर के प्रकाश ले जितावल जाए प्रधान जी का कहा वीडियो साहब घूस लेके काम कर रहा है पैसा मन का नहीं दे रहा है अच्छा घूस ले गया भाई घूस चला था तो चलते हाँ। देख आई है धन मनवा कि आज चोरावन नाम मिलल सो चोरावा हो गल तो आज चश्मा लगा के घिंचा था अखिया तो पार छोड़ ले पहले तो के मुंह तो हमरे पे बहुत खुनसा था नहीं हम बड़ा खुश है तो पर सब पर तू जनावा था देवावा था तो के खुनसा ही अब जो है जो घूस उस लिया था बंद हो जाए नेताजी बन गई ना मंत्री तो मंत्री बहुत कम बाया बहुत अब तो आई बहन बेटी के दिन हमें उठा ले जाता रहा सब लोग चट्टा दिन रात तो बहुत बढ़िया है भगवान जरे जी जाते नहीं है अच्छा चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं यहाँ पर था और यहाँ पर तमाम जो सुभाषपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी थे इनसे हम जानने का प्रयास किया।